गा इस बहुत सब क्या हाल चल दिस इज सी निकुंज गोइंगा बिफोर रिविलिंग द अनाउंसमेंट बिफोर अनाउंसिंग द अनाउंसमेंट लेट मी

मेरे को अलग लेवल पे ले जाता है एंड दैट इज ऑलवेज मोटिवेटिंग मी लास्ट डेढ़ साल में सीएमए फाइनल के बच्चों ने जो प्यार दिया है और अभी भी लास्ट सेवन इयर्स में मेरे को साल हो गया टीचिंग एक्सपीरियंस को सारे बच्चों ने जो प्यार दिया है सपोर्ट किया है वो एक अलग लेवल पे सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल माई स्टूडेंट्स दो और इन यूट्यूब और क्लासेस उन्होंने अगर मेरे से पढ़ाई की और अगर उनको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा करवाया तो प्लीज इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और अगर मैं किसी कारण से अगर किसी का दिल दुखाया तो मेरे को उसकी माफी चाहता हूं मैं क्षमा करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर आप क्या अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं आप फाइनली अनाउंसमेंट रिवील कर दीजिए सर तो सर लास्ट 1.5 पॉइंट से आप सबको पता है कि हम ऑलरेडी सी फाइनल आई टीम NGC आपको ऑफर करती है सीएमए फाइनल एनडीटी निकुंज गोइंगा क्लासेस के अंडर सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स को केटर किया जा ही रहा था इनडायरेक्ट टैक्स के लिए और जून 23 टर्म के लिए हम ऑलरेडी हमारा रिकॉर्डेड बैचेस चल रहा है अगर आपने क्लासेस अगर आप ढूंढ रहे होंगे नहीं लिया है, तो आप ले सकते हो फाइनली वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग सी एस एक्सिक्यूटिव ये यूरिंग करेक्ट सी एस एक्सिक्यूटिव टैक्स लॉज CS का जो टैक्स लॉस का पेपर है उसका जिम्मेवारी आपका भाई ऑलरेडी उठा रहा था अभी भी उठा रहा है CS 2023 repeat, 23 से जो हमारा होगा, हम जो भी बात कर रहे हैं डिसंबर 23 टर्म से बात कर रहे हैं तो 23 में अगर आप एग्जामिनेशन देने का सोचे हो तो यस सी एग्जीक्यूटिव में हम आपको प्रोवाइड करेंगे टैक्स लॉस वाला पेपर इस वीडियो को पूरा देखिएगा जानने के लिए क्योंकि मैं इस वीडियो में खाली टैक्स लॉस के बारे में नहीं बताने वाला हूं आपके माइंड में बहुत सारे आई नो कि सर CS में न्यू सिलेबस आ गया है जो 23 टर्म से एप्लीकेबल होगा तो मैं न्यू सिलेबस में जाना चाहिए कि ओल्ड सिलेबस में जाना चाहिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर दूंगा सर बोथ मॉड्यूल देना चाहिए कि सिंगल सिंगल मॉड्यूल करके देना चाहिए इसका भी आंसर दूंगा सर आपके बैच में बताइए आपका बैच का क्या हाईलाइट होगा एवरी सिंगल डिटेल विल बी प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखेगा लाइक बटन दबा दीजिएगा वीडियो को बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करके रखिए बिकॉज जबरदस्त तरीके से हम सी के लिए कंटेंट लाने वाले हमारे चैनल में जो हमेशा आता भी रहता है तो निकुंजा यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके आइकन बटन दबा के रखिए सबसे पहले कि सर हमें ओल्ड सिलेबस में जाना चाहिए कि न्यू सिलेबस में जाना चाहिए काफी सारे बच्चों को ये डाउट है और आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिया होगा कि सर न्यू सिलेबस में ये है ओल्ड सिलेबस में डिफरेंस क्या है ठीक है मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं जो बच्चे अभी इस वक्त बिकॉज अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको न्यू सिलेबस में जाना है कि आपको ओल्ड सिलेबस में जाना है तो विद फॉर दैट लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स सर आपका जो न्यू सिलेबस है सबसे पहले मैं बता देता हूं न्यू सिलेबस का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो फर्स्ट फेबर 2023 है ये मैं I

लास्ट एग्जामिनेशन टर्म फॉर ओल्ड सिलेबस उसके बाद ओल्ड सिलेबस में एग्जाम नहीं होगा

मॉड्यूल वन में चार पेपर तो है ही मॉड्यूल टू में तीन पेपर होगा यानी सर फोर प्लस थ्री सेवन पेपर था एट पेपर था मॉड्यूल टू में आपका एक पेपर हुआ करता था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ठीक है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक पेपर हुआ करता था मॉड्यूल टू में देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मॉड्यूल टू में बेटा आपका एक पेपर हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में जिसका नाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड एक मिनट कॉर्पोरेट देखो मॉड्यूल टू में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था मॉड्यूल टू में वी यूज टू हैव कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक पेपर हुआ करता था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक पेपर हुआ करता था यानी मॉड्यूल टू में दो पेपर हुआ करता था ये तो अब इन दोनों को इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया कंबाइन कर दिया दो का एक कर दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक पेपर बना दिया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एंडलमेंट हंड्रेड सर बात बाकी लॉ के जो भी पेपर्स है, आप देख सकते हो जो पहले मॉड्यूल वन में ओल्ड सिलेबस में जे था जो इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ अभी भी वही है कंपनी लॉ अभी भी वही है खाली कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ऐड कर दिया नाम उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं बहुत ज्यादा माइनर होगा बहुत ज्यादा खास नहीं होगा एस

में शिफ्ट करके मॉड्यूल मतलब सर क्या हुआ टैक्स मॉड्यूल वन से मॉड्यूल टू में चला गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो पेपर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पेपर है वो दोनों को क्लब करके मॉड्यूल वन में ला दिया दोनों को जो मॉड्यूल टू को क्लब करके मॉड्यूल वन मिला दिया तो मॉड्यूल वन में अब कितना पेपर हो गया न्यू सिलेबस में पता है मॉड्यूल वन में चार पेपर है तीन लॉ का पेपर तो सेम है ही और चौथा पेपर जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लब करके मॉड्यूल वन का पेपर फोर बन गया अब जो मॉड्यूल वन का पेपर फोर था टैक्स उसको मॉड्यूल टू का पेपर सेवन बना दिया मॉड्यूल टू का पेपर सेवन बना दिया ठीक है अब आप देखो जो पहले लॉ का पेपर दो लॉ का पेपर मॉड्यूल टू में था वो एज इट इज सेम है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ इकोनॉमिकल लॉ इकनोमिकमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल है इसमें ऑब्वियसली वो, वो आपको आ, सारे एमिनेंट फैकल्टीज ऑफ लॉ आपको बताएंगे डेफिनेटली दे विल देयर टू गाइड यू बट मैं आपको एक ओवरऑल गाइडेंस दे रहा हूँ कि अल्टीमेटली क्या हुआ है टैक्स का जो पेपर है वो मॉड्यूल वन से मॉड्यूल टू में चला गया है ठीक है दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट चेंज है ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस के बीच में राइट तो सर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें ओल्ड में जाना चाहिए कि न्यू में जाना चाहिए सर देखिए अब ये आपका कॉल है राइट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सब्सटैंशल चेंजेस क्योंकि नहीं है आप ओल्ड में भी जा सकते हो आप न्यू में भी जा सकते हो अब बच्चे के दिमाग में एक बहुत ज्यादा कोरी आता है कि सर ओल्ड सिलेबस का एग्जाम तो खाली दो बार होगा दिसंबर 23 एंड जून 24 अगर हम जून 24 तक अपना दोनों मॉड्यूल नहीं क्लियर कर पाए ओल्ड सिलेबस में तो हमें न्यू सिलेबस में कंपलसरी स्विच ओवर होना पड़ेगा बात सही है तो भाई ये तो तुमको कॉल लेना पड़ेगा ना कि अब नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो कि आप दो अटेम्प्ट में 23 ऐसा नहीं मैं मॉड्यूल दूंगा जून ट्वेंटी फोर मॉड्यूल टू जून ट्वेंटी फोर में दूंगा अरे भाई, तब तो तुम बहुत ज्यादा यू नो एक हंड्रेड परसेंट चांस होना चाहिए आप पास ही होने वाले हो राइट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एन बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल कि सर मेरे पास कितना टर्म है कितना भाई मेरे पास है तो भाई हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो आपको आप न्यू सिलेबस में ही आपको जाना चाहिए ठीक है बट uh, आप ओल्ड सिलेबस में भी जा सकते हो इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं जून ट्वेंटी तक तो अपना एग्जामिनेशन पास कर लूंगा दैट इज अप

टैक्स में पहले क्या था डीटी और आईडीटी आपको पता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दो पार्ट में डिवाइडेड डिवाइडेडली होते हैं डीटी आपको पढ़ना पड़ता है आईडीटी भी पढ़ना पड़ता है इसका रेशियो फिफ्टी 50 टू फिफ्टी 50 था मार्क्स डायरेक्ट टैक्स मार्क्स आईडीटी लेकिन अब उसको इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में क्या कर दिया 60 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स एंड 40 मार्क्स आईडीटी डेफिनेटली रिक्वायर्ड क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़ा होता है बट आईडीटी में सिलेबस थोड़ा छोटा होता है सो so डेफिनेटली 60 मार्क्स इज गुड फॉर डीटी 40 मार्क्स इज गुड फॉर आईडीटी

अब वो 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 तीनों तीनों का तीनों जो MCQ पेपर है 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 हो गया यानी सर executive में इन्होंने हटा हटा दिया है। MCQ दिया मतलब आप बोल सकते हैं भी कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पेपर ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखो भाई थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा तब जाके आपको क्लियर होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाली जो पेपर है वो तो हंड्रेड आज भी डिस्क्रिप्टिव है

वो एमसीक्यू पेपर जो पहले था अब वो भी अब आपका एमसीक्यू पेपर नहीं रहा है उसमें भी ट्वेंटी परसेंट एमसीक्यू और एटी परसेंट के स्टडी है तो अगर आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सिलेबस डेफिनेटली बेटर है डेफिनेटली बेटर है लेकिन खाली एक फैक्टर के हिसाब से नहीं सोच सकते आपको आपको ओवरऑल सोचना पड़ेगा तो ये गाइस ये अपना खुद का इंडिविजुअल डिसीजन लेना पड़ेगा मैंने आपको फैक्टर बता दिया कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अगर आप लंबे दौड़े के खिलाड़ी हो आपको एक एक मॉड्यूल करके देना है तो नेवर गो फॉर सिलेबस गो फॉर न्यू सिलेबस लेकिन अगर आप बहुत मॉड्यूल देना चाहते हो तो आई थिंक

न्यू uh, सिलेबस ही सोचना चाहिए न्यू सिलेबस के हिसाब से आप सेफ रहोगे अगर आप एक एक टर्म एक एक ग्रुप uh, करके देना चाह रहे हो ठीक है तो ये था सर मेरा टैक्स का पूरा डिस्कशन कि सर टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं मॉड्यूल वन में मॉड्यूल टू में एंड पेपर पैटर्न को लेकर और वेटेज को लेकर फिफ्टी फिफ्टी और सिक्सटी फोर्टी ये तो हुआ सर ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस अब अपने बात करते हैं सर बोथ मॉड्यूल देना चाहिए कि सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए तो भाई इसमें अपना सिंबल फंडा है तुमको सीएस कितना जल्दी बनना है आप एक बात समझो अगर आप सिंगल मॉड्यूल करके देते हो एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है अगर आप सिंगल मॉड्यूल करके देते हो पहला टर्म अगर आप December 23 में अपियर करते हो और दूसरा टर्म आप जून 24 में अपियर करोगे ठीक है मैं मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप मॉड्यूल वन डिसंबर ट्वेंटी में दिए मॉड्यूल टू जून ट्वेंटी में दिए तो बताओ बेटा जून ट्वेंटी का रिज, रिजल्ट तो ऑगस्ट तक आएगा आज आप फेबर जनवरी फेबर में खरीदे हो या मार्च में खरीदे हो तो भाई तुम्हारा डेढ़ साल तो गया ना आपका डेढ़ साल चला गया आपका एक साल नहीं गया आपका डेढ़ साल चला गया आप डेढ़ साल बाद सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे लेकिन अगर आप बोथ मॉड्यूल मॉड्यूल 23 23 देते देते हो हो ध्यान से सुनना आप बोथ तो इसका रिजल्ट फेबर तक आ जाता है तो आपका एक ही साल गया तो आप सिक्स मंथ्स बचा लेते हो इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ सिक्स मंथ से ज्यादा बचा लेते हो आप अगर आप डिसंबर ट्वेंटी में बोथ मॉड्यूल देते हो तो आपका बहुत क्योंकि आपका जो रिजल्ट का टाइम वेस्ट होता है ना बेटा एक-एक टर्म देने से रिजल्ट भी तो दो बार आएगा तो रिजल्ट का टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है आपके लिए आप तो समय कुछ कर नहीं रहे हो आप तो कुछ एग्जाम दे नहीं रहे हो अनलेस एंड टिल आप अलग-अलग एग्जाम कोर्सेज दे रहे हो तो बात अलग है मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप खाली सीएस पढ़ रहे हो तो इन दैट सिचुएशन यू आर वेस्टिंग मोर टाइम इन गिविंग टू टर्म्स लेकिन यहां पे भी एक बात बोलना चाहूंगा कि सर अगर मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मैं एक बार में बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकता है मेरे कुछ फैमिली कमिटमेंट्स है या फिर मेरे कुछ अदर मैं जॉब करता हूँ या फिर कहीं पे भी मेरे को कोई फैमिली भी हेल्प करना पड़ता है सपोर्ट करना पड़ता है मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता तो यू शुड गो फॉर सिंगल मॉड्यूल तब आपको सिंगल मॉड्यूल में जाना चाहिए सिंगल मॉड्यूल में किसको जाना चाहिए जिसको पैनिक अटैक्स आता है जो एक बार में बहुत ज्यादा सिलेबस को कोप अप नहीं कर पाएगा जो अपने आप को सोचता है आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको लग रहा है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ थोड़ा थोड़ा घंटा पढ़ूंगा मैं अपना कर लूंगा एक एक करके मैं पढ़ूंगा मैक्सिमम दो सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा मैं एक साथ आठ सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं कर पाऊंगा इतने सारे क्लासेस फिर सेल्फ रिविजन स्टडी सब कुछ नहीं कर पाऊंगा तो आपके लिए सिंगल मॉड्यूल एकदम एडवाइजेबल है लेकिन जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं जो बच्चे के पास खाली एक ही काम है पढ़ाई, पढ़ाई 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 और कोई काम नहीं है वो मतलब उनको फैमिली में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना दे वॉन्ट टू

तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप बोथ मॉड्यूल में अपेयर करो तभी आपका रैंक आएगा ना सिंगल मॉड्यूल में तो रैंक का सवाल ही नहीं है तो आप समझ गए कि सर किसको किसको बोथ मॉड्यूल देना चाहिए किसको किसको सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए बट ये पहले ही डिसाइड कर लेना कि सिंगल देना कि बोथ देना उसके हिसाब से क्लासेस लेना बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बोथ मॉड्यूल का क्लासेस ले लेते हैं ठीक है एक साल वैलिडिटी दो साल वैलिडिटी जो भी एग्जाम जब भी देंगे बट क्लासेस पहले ले लेते हैं और बाद में जब वो सिंगल मॉड्यूल में जाते हैं उन वहीं पे उनका सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है अरे भाई ऐसा मत करना

The only difference is we are going to give efforts for you, but you also have to give that much efforts for yourself with us. If we are going to do it, we will say that we are going to do it. We will do it in both modules, in both modules, in December 23. So nothing can stop us in this world from clearing these examinations. It is easy, but you have to give efforts. What is CS Executive difficult? No, it is difficult. Nahin hai, easy. Hai.

मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि बस आया आपको डिटेल्स बैच बता के चला गया वैसा बिल्कुल भी नहीं है आपको प्रॉपरली सब गाइडेंस दिया जा रहा है एक एक करके सब कुछ प्लान करके अब मैं आपको बैच का डिटेल्स बताऊँ सबसे पहले बात भाई हाथ जोड़ के विनती है ये जो हम बैच कर रहे हैं ये डिसम्बर ट्वेंटी के लिए बैच कर रहे हैं ठीक है ठेके? कहा क्या कर रहे हैं सर हम डिसंबर 2023 टर्म के लिए बैच कर रहे हैं सर अगर हमारे को जून 23 का बैच चाहिए तो सर भाई एमईपीएल क्लासेस में ऑलरेडी हमारा कोर्सेज अवेलेबल है आप जून 23 में आराम से जाइए

कोलकाता वाले बच्चे आप हमसे अगर मिलना चाहे आराम से आप क्लासेस क्लासे आप अपने घर पे करो मैं हमेशा आपके लिए, क्वेरी के लिए, क्वेरी वरी सब लेकिन आपको क्या है सर आपका शामले गार्डन जैसो रोड कोलकाता बेलगछिया मेट्रो स्टेशन से एकदम नियरेस्ट ठीक है वहां पे हमारी सेंटर है वहां पे आप आके मेरे से मिल सकते हो कॉन्टेक्ट कर सकते हो सब कुछ हमारी टीम आपको गाइड कर देगी हंड्रेड वीडियो बैकअप

न्यूली हम रिकॉर्ड करेंगे तो पेनड्राइव ऐसा थोड़ी ना कि मेरे पास पेनड्राइव रेडी हम तुमको पुराना बैच का तो देगा नहीं नया जो करेंट रिकॉर्डिंग चल रहा है उसका पेनड्राइव आपको फेजेस में दिया जाएगा से फॉर एक्साम्पल आज आप आके पेनड्राइव क्लासेस मांगते हो तो आज आपके लिए पेनड्राइव ऑबियसली अवेलेबल नहीं होगा जब हमारा एक डेढ़ महीना दो महीना का क्लासेस ओवर हो जाएगा आप बुकिंग्स कर सकते हो फिर दो महीना बाद आपको पहला पेनड्राइव डिस्पैच हो जाएगा तो पेनड्राइव क्लासेस कर सकते हो लेकिन एक बात सही पेनड्राइव वाले बच्चे ध्यान रहे आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस तो फर्स्ट डे ही मिल जा रहा है

सर व्यूज वैलिडिटी का क्या होगा देखो भैया हम एक ही बात चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ सके अनलिमिटेड व्यूज है बेटा आपको होता है काफी बार 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 कि एक एक चीज दो बार, तीन बार समझ में नहीं है जितना बार देखना तुम देख सकते हो अनलिमिटेड व्यूज है बहुत सारे बच्चे बोले नहीं नहीं सर मुझे अनलिमिटेड चाहिए मेरे को अनिलो व्यूज चाहिए तो टू व्यूज का भी ऑप्शन है डबल व्यूज का भी ऑप्शन है इनफैक्ट टू तो मैं क्या बोलूंगा आपको थ्री दिया जा रहा है वन तो आपका लाइव है प्लस

जब तक आपका एग्जाम थर्टी फर्स्टर थर्डर ट्वेंटी होगी ये क्लासेस आपके पास तब तक रहेगी चाहे आप फेररी में परचेस करो मे में, में परचेस करो जून जुलाई होगा जब भी परचेस करना परचेस करो सर बुक्स का क्या होगा सर आपको हार्ड कॉपी मिलेगा सर सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन नहीं है प्लीज मत मांगना कि ऐसा मत करना कि हमारा प्राइसेस कम कर दो सर हमारा प्राइसेस ऑलरेडी लोएस्ट है और हम

लगभग टेंटेटिव डेट एंड टाइम्स अभी आपको नहीं बता सकता ऑब्वियसली विल कैलकुलेट आपको टाइमली ता, ता, बहुत जल्दी बता दिया जाएगा बैच एंड लगभग हमारा ऑगस्ट में हो जाएगा और सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर ये तीन महीना हम खाली रिविजन करेंगे और

मत uh, you know, मत करना कि सर आप तो 120 क्लासेस बच, तो 120 120 बोले हैं ये ये 100 में करा ये सब मत करेगा, प्लीज। 120 क्लासेस में माना हूं। DT, दोनों को कंसिडर करते हुए आपके पास ऑप्शन है कि आप खाली डी भी ले सकते हो खाली आईडी भी ले सकते हो आप दोनों ले सकते हो वो आपके ऊपर है तो वन क्लासेस का अप्रोक्सिमेटली हमारा ड्यूरेशन रहेगा और टू आवर्स का कंटेंट रहेगा लगभग हमारा एवरेज क्लास का ड्यूरेशन दो घंटा रहेगा दो घंटा से कम नहीं होगा दो घंटा से ज्यादा हो सकता है मिनट एक्स्ट्रा बट घंटा से कम ड्यूरेशन नहीं होगा तो वन ट्वेंटी लगभग अप्रोक्सिमेटली होगा जिसमें सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव क्लासेस डी की होगी और फिफ्टी क्लासेस आई की होगी ठीक है तो ये लगभग हमारा पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेट क्लासेज होगा और ये आवर्स होगा सर ठीक है अब प्लीज आप क्वालिटी में जाइए क्वांटिटी में मत जाइए मैं आपको देता हूं कि क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस में अब मेरा ऐसा नहीं है कि में यूट्यूब में कर लेंगे एक एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का सॉल्व करवाता हूं, कर हूं अपने क्लास में तो उसके लिए टाइम तो भाई लगेगा ना तो अब ऐसा सोचो आप जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है वो मेरे साथ भी दे रहे हो ठीक है तो ऐसा आपके साथ होने वाला है सर तो ये था हमारा सारा का सारा बैच डिटेल्स

आपका भाई आपके लिए तुम इजी कर दिया एक सिंपल वेबसाइट है हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट निकुंज गोइंगा डॉट कॉम क्या बोला मेरा नाम जानते हैं ना बस वही डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट निकुंज डॉट कॉम आपको जाना है सीधा बाई कोर्सेज में फिर जाना है सीएस में फिर जाना है एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव जब आप जाओगे तो भाई यही तो तीन चीज है सीएस एग्जीक्यूटिव में टैक्स लॉस वाला है अगर आपको फुल पेपर हमारा टैक्स डी टी आई चाहिए तो आप डी ये वाला सेक्शन में क्लिक करोगे अगर आपको खाली आई चाहिए तो आप ये वाला सेक्शन में क्लिक करोगे खाली डी चाहिए तो आप ये वाला सेक्शन में क्लिक करोगे अब कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डी अपने से कर लेते हैं आईडीटी का ट्यूशन लेते हैं या वैसी वर्षा तो उनके लिए एक पॉसिबल ऑप्शन बना के रखा गया और कोई बात नहीं है आई नो मेजॉरिटी बच्चे टैक्स लॉज ही लेंगे तो आप व्यू डिटेल्स में क्लिक करोगे बेटा या पे सारा डिटेल जो भी मैंने बोला है सारा डिटेल फिर से लिखा गया है कोई दिक्कत नहीं है आप पूरा का पूरा हमारा ये वेबसाइट विजिट करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा

जो भी हार्ड कॉपी का बुक्स का प्राइस है सब कुछ सब कुछ इसमें इंक्लूडेड आपको अलग से कुछ देना नहीं बस एक ही जगह आप, आपका पेमेंट पे जाएगा पेमेंट करके प्रोसीड करिएगा चेकआउट कर दीजिएगा निकल जाएगा इसी तरीके से आपको एनरोलमेंट्स करानी है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट निकुंज गोइंगा डॉट कॉम बात समझ में आए कि नहीं है यस सर पूरी की पूरी, पूरी क्लैरिटी आ गई और एक बात सर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन अस ऑन दिस नंबर नाइन डबल जीरो सेवन नाइन डबल टू जीरो डाउट हो तो आपको यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करना या फिर आप हमारे वेबसाइट में जाके डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इंग डॉट कॉम को विजिट कर सकते हो एवरी थिंग गिवेन देर एक बात याद रखिएगा बुक्स जो डिस्पैच होगा वो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ फेबर

थैंक यू सो मच टेक केयर बेटा गॉड ब्लेस यू सी यू इन दी क्लासेस एक्साइटेड एंड मिलते हैं चाहे वो मॉड्यूल वन में हो चाहे मॉड्यूल टू में फर्क नहीं पड़ता हमें तो सर एग्जाम क्लियर करने से मतलब है थैंक यू सो मच टेक केयर गॉड ब्लेस यू सी यून द्लासेस